संविधान रचा ये बहुत महत्वपूर्ण विषय आदरणीय हमारे पूर्वजों का निर्णय किया है और इसके लिए पूरे देश से हर राज्यों से हमारी प्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं। अभी अभी आपने जो क्लिप देखी उसमें आज तक का पूरा सब्जेक्ट और संविधान क्यों बचाना है, इसलिए पूजाता ने बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे किया, मैं उनका अभिनंदन करती हूँ। अभी सभी केस में सभी मुद्दे आ गए, टाइम बहुत कम है, इसलिए संविधान यानी क्या और यो क्यों बचाना है, मैं बिल्कुल 2-3 मिनट में अपना भाषण समाप्त करूंगी। संविधान यानी देश को संचालित करने वाला ही लिखा। संविधान किसने लिखा है तो आप सबको मालूम है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, बहुत होशियार से, बहुत अभ्यासपूर्ण और बहुत चतुराई से ये संविधान हमारे हाथ में दिया और वो हम सबको मानना पड़ा। बहुत ये संविधान में हर सेक्शन का, हर विचारधारा का, कोई जात हो, पात हो, धर्म हो, ये सब बाजू में रखते हुए हमारी महिलाओं के अगर ये सबसे अच्छा अगर कुछ होगा तो लिंग भेद न मानते हुए ये महिला है, ये पुरुष है, ये नहीं, उनके विकास के लिए, उनके विचारधारा विकासधारा में लाने के लिए हमको समान अधिकार दिया। और जब चित्रताई ने बोला, हमारी विद्याताई ने बोला कि हमारे महिलाओं को अगर 50% 30% आरक्षण पहले पवार साहब ने दिया था, जब मैं एक झेडपी चेयरमैन करके मैंने शासन को संभाला, उसके बाद जब 50% महिलाओं को आरक्षण मिला तब दूसरी बार 2012 में मैं जिला परिषद चेयरमैन बनी और सरपंच से जिला परिषद अध्यक्ष तक आदरणीय पवार साहब ने हमारे लिए जो आरक्षण दिया और हमको अच्छी महिलाओं को अच्छा विकास के लिए उनके हाथ में प्रशासन के जो बात तोड़ दी, मुझे लगता ये देश में इच्छा इतने अच्छा कदम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद में अगर किसने उठाया होगा तो आदरणीय पवार साहब ने उठाया। और इसी अगर जनता के हाथ में संविधान यानी क्या, जनता के हाथ में जनता का, जनता के लिए स्वच्छ प्रशासन यानी संविधान, यानी इतना अच्छा ये लोकशाही में हमको अधिकार दिया, ये लोकशाही में सभी को एक मत का अधिकार ये लोकशाही में हम सबको मिला। एक बात मैं आपको बताती हूँ, 2014 में जब भारत बीजेपी सरकार यहाँ पे आई तब सबसे ज्यादा अगर फटका किसको बैठा होगा, हमारे मध्यमवर्गीय बच्चों के लिए 1945 में जब उनको स्कूल के लिए हमारे संस्थाओं के नाम पर उनकी स्कूल की भी वहां पे दिए जाती थी, मगर अब ऐसे ख्याल में आ गया कि उनका बैंक के खाता निकाल के ऑनलाइन उनको दिया जाता है। मगर अभी 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 पता चला और मागासर के कुछ बच्चों ने पूरे विदर्भ में आंदोलन किया और उसमें उन्होंने बोला कि सरोवर डाउन होने के नाते हर स्कूल में उनका अनुदान नहीं पहुंच रहा, इसलिए 6 महीने से उनको अनुदान नहीं मिला और बच्चे बेचारे पीना देने पाने के नाते हड़ताल किया, मगर सरकार ने उनके ऊपर कुछ ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में हर कलम को नजर रखते हुए हर समाज का विचार, हर देश के नागरिक का विचार और जिसमें महिलाओं का ज्यादा से ज्यादा विचार भी किया। मैं आपसे यही विनती करती हूँ कि संविधान अगर बचाया जाए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिनके नेते सर्वोपरि आदरणीय पवार साहब जो रह के
नेता है जो हमारे किसान लोग हैं, आप सबको मालूम है कि उनका जो अधिकार है वो अधिकार छीनते हुए, यानी आपको ऐसा लगता हो कि संविधान बदल रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा हो संविधान पूरी तरह से बदलने वाले हैं, वैसा नहीं। सामाजिक सांस्कृतिक ये सब बातों पे ख्याल देके धीरे धीरे वो बातें पढ़ते के आड़ लेते हुए उसमें बदलाव लाया जा रहा, वो बदलाव सामान्य लोगों के ख्याल में नहीं आता, मगर मंच पे बैठे हुए हमारे अभ्यासपूर्ण जो लोग हैं, समाज पे खूब स्टडी करने वाले अभ्यासपूर्ण जो लोग हैं, उनके ख्याल में आ रहा। और आप देखते होंगे कि कभी कभी ये बीजेपी के लोग, इनके नेता लोग हमको संविधान बदल रहे हैं, भाषा जब समाज में करते तब सब हम लोग डर जाते कि अभी क्या होगा। इसलिए मैं सब आपको विनती करती हूँ कि देश में महिलाओं की ताकत बहुत बड़ी ताकत है, और राष्ट्रवादी की विचारधारा में तैयार हुई हम सब महिलाएं, हम कभी भी पीछे हटने वाली महिला नहीं। मैं आपको यही बोलती हूँ कि मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो यारो, संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती, मुट्ठी उसकी कभी हर बार नहीं होती। ठीक है, एक बार सत्ता के बाजू में हम लोग अभी हो भी गए तभी हमारी बुद्धिमत्ता हमारा विचार एक पैसों से नहीं मिलता। मंच पर बैठे हुए हमारे नेता लोग, राष्ट्रवादी में काम करने वाले सब नेता लोग, ये सब पवार साहब के विचारधारा में तैयार हुए लोग हैं, और हम नीति से शिस्ती से ये लड़ाई लड़ेंगे। फौजा मैडम आपने कदम बढ़ाया, आज आप सबको मालूम है कि देश को जब स्वतंत्रता मिली थी तो कोई बोलते होंगे कि महात्मा गांधी ने सब एक ने कुछ किया था, वैसा नहीं, कस्तूरबा गांधी ने उसके कंधे से कंधा मिलाकर उनको साथ दिया था। पार्टी में अगर राष्ट्रवादी के हमारे देश की सभी महिला अगर रास्ते पर उतरी और ये संविधान बचाने के लिए हमारी माँ बहनों की जो इज्जत करा रहे हो, जो बलात्कार हो, हम यहाँ पे हम सेफ नहीं है, ये सब के ऊपर अगर आवाज उठाना है तो हम सबको रास्ते पर उतरना होगा, जहां होगा वहां हम कड़ी कार्रवाई करके इस संविधान बचाने के लिए, संविधान बचाना यानी देश के हर पहलू पे हमको नजर रखनी होगी और उस पे स्टडी करके अभ्यास करके हम सबको उसको अटकाव करना पड़ेगा। और उसके लिए मुझे इस तरह ऐसा लगता है कि राष्ट्रवादी की महिला कभी भी पीछे नहीं रहेगी। इसलिए मैं आप सबको विनती करती हूँ कि महाराष्ट्र तो हमारा आगे है, उसमें कोई शक नहीं, मगर महाराष्ट्र के बाद भी हमारे MP सभी सब राज्यों में हम महिलाओं का आवाज उठाना चाहिए। और फौजा मैडम से मैं विनती करती हूँ कि बहुत सारी महाराष्ट्र की लेडीज ऐसी है वो बाहर के देश में जाके काम करने के लिए तैयार है, उनका उपयोग आप कर लीजिए। आप बहुत अच्छे ढंग से सब्जेक्ट आपने राष्ट्रवादी के माध्यम से उठाया, इससे फिर से आपकी सरकार में कार्य सबका अभिनंदन करती हूँ। आप जो आदेश देंगे उस आदेश से हम जरूर काम करेंगे और ये आवाज हम कहीं नीचे नहीं होने देंगे। यही यहाँ पे हम सब शपथ लेते हुए मैं मेरे दो शब्द समाप्त करती, जय हिंद जय भारत।